पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है, बिना नौकरी की डिग्री किसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं MPCG24 न्यूज़ एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर का 2 मई से हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संचालक वर्षा चौहान ने बताया कि रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में ताइक्वांडो, बास्केटबॉल, स्विमिंग, टेबल टेनिस आदि खेलों का आयोजन 2 मई से विद्यालय प्रांगण में किया जाएगा। संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता शिवानी बेन की रिपोर्ट। जी मैडम बताइए, आपके स्कूल कैंपस में देखने को लगा इस समय बहुत सारे अच्छा स्विमिंग पूल की व्यवस्थाएं हैं और स्पोर्ट एक्टिविटीज भी आप इस समर कैंप में कराने जा रहे हैं, क्या योजना के अंतर्गत करा रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। मेरा नाम वर्षा चौहान, प्रिंसिपल डायरेक्टर बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सबको याद होगा पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण कोई भी एक्टिविटी स्कूल में नहीं हो पा रही है। इस समय कोरोना पूर्ण रूप से खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन उसका पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हम लोग समर कैंप का आयोजन 2 मई से कर रहे हैं। उसमें आप देखेंगे स्विमिंग पूल भी है हमारे पास, बास्केटबॉल ग्राउंड भी है, टाइकोंडो भी है, वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल है, टेनिस है, चेस है, कैरम है, जितनी सारी एक्टिविटीज जो बच्चों को अपग्रेडेशन के लिए चाहिए सारी एक्टिविटीज और समर कैंप हम लोग 2 मई से आयोजित कर रहे हैं। मैम इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को आपने शामिल करने का अवसर दिए हैं? इसमें सारे आयु वर्ग के बच्चे शामिल हो सकते हैं, प्लस उनके अभिभावक भी। स्विमिंग इतना अच्छा है हमारे यहाँ और हमारे जो कोच है उसका नवराज बहुत अच्छा सिखाते हैं बच्चों, और इसमें कुछ हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको तो रिलैक्सेशन है ही, और जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनको भी पूर्ण रूप से कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए बहुत अच्छे से नवराज द्वारा स्विमिंग सिखाई जा रही है। मैचेस शुरू हो रहे हैं हमारे मॉर्निंग में 5 to 8 हैं और इवनिंग में भी हमारे 5 to 8 तक चलते हैं। बच्चों को समर कैंप के समापन अवसर पर क्या उनको मैसेज करेंगे? उसमें इनको एक्टिविटीज कराएंगे और प्लस उनको सर्टिफिकेट भी प्रदान करेंगे, इनके कॉम्पिटिशन करा के सर्टिफिकेट और मेडल दिए। ये पूरा 1 महीने का चलेगा क्या मैम? जी सर, अपना पर्ची देंगे क्या? सर यहाँ पे बच्चों को जो आप स्विमिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं विगत कितने दिनों से दे रहे हैं और किस स्तर के बच्चों को दे रहे हैं? सर मैं यहाँ पे विगत 2 वर्षों से लगातार उन्हें दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ आयु वर्ग सब से काफ़ी 3 साल से लेके वो 1 बार तक कोई भी माता पिता सीख सकते हैं, सारे अवेलेबल है। सर इसके प्रोटोकॉल क्या है इनके, सर इसके नियम क्या है, बच्चों को सिखाने का थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक कैसे स्टार्ट करना है, पहले क्या चीज़ करानी है, कैसे स्टार्ट कराना है, अरे बच्चों को क्या कराना है, उनके लिए क्या अलग है, सबके लिए प्रोटोकॉल अलग अलग होते हैं, नियम अलग है, ये पूरा प्रोटोकॉल अलग जाता है। धीरे से स्टार्ट करते हैं, फिर अलग अलग स्टेट को डिवाइड करते हैं, फिर उनको बाकी कारों को सर ये पानी कब कितने दिनों में चेंज होता है यहाँ पे? पानी जो है 24 घंटे निरंतर चलता रहता है, जब तक अगर हमारे पास 1 घंटा भी तैर रहा है, 1 घंटा भी तैर रहा है तो उसके लिए हमारा 24 घंटे निरंतर चलता है, तो पानी जो है ऑलवेज होता रहता है, तो पानी चेंज करने का पानी जीवन में मतलब आपके ये स्कूल के अलावा क्या बाहर के बच्चों भी करवाते हैं क्या, और बच्चों के कॉम्पिटिशन स्तर में आप पहुँचा है क्या या ऐसा कुछ है? हमारे पास स्कूल के अलावा बाहर के आउटडोर के भी बच्चे हैं और वो स्टेट से लेके नेशनल तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और भी ऐसे बच्चे जो आगे भी खेला है। थैंक यू सर। और हमारा जो स्कूल है आप देख सकते हैं बहुत स्कूल है, यहाँ आपको न्यूज की दस की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, जो इनको आप बात करिए आप नहीं करेंगे।